अस्सलाम वालेकुम। ग्रीस अप एरर रिमूव करने का तरीका, सबसे पहले हमने मशीन ऑन करनी है और जब ग्रीस अप एरर शो होता है तो हमने F1 का बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद सामने काउंटिंग शो होगी। काउंटिंग शो होने के बाद जो काउंटिंग शो होगी उसको हमने रीसेट करना है। रीसेट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो की कंडीशन जब आएगी तो आपने उसी वक्त टेस्ट का बटन दबा देना है। जब टेस्ट का बटन दबाएंगे मशीन अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसलिए फिर आपने अगर चेक करना है कि ग्रीस अप एरर रिमूव हुआ है या नहीं तो आपने दोबारा फिर मशीन को ऑन करना है, F1 का बटन प्रेस करना है। F1 का बटन प्रेस करने के बाद देखना है जी ये ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है। ज़ीरो शो हो गया, फिर हमने वापस टेस्ट का बटन दबाया और मशीन अपनी ओरिजिनल कंडीशन में चली गई। ऑफ करके ऑन करके चेक कर सकते हैं ग्रीस अप एरर रिमूव हो चुका होगा। असल में जो 100 का एरर आता है वो भी ग्रीस अप एरर ही होता है, ठीक है। ताकि ये तमाम दोस्तों के नॉलेज में आ जाए कि 100 का एरर भी ग्रीस अप एरर ही होता है और जो ऊपर मतलब ये ग्रीस अप का साइन शो